हाय फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आई विजन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, आज की जो ट्रिक है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है और इस एक ट्रिक के साथ आप तीन तीन काम कर सकते हैं। वो तीन तीन काम आप कौन कौन से कर सकते हैं और ये ट्रिक क्या है मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए, ज़रा भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये ट्रिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ तो दोस्तों, इस ट्रिक के साथ आप तीन काम कर सकते हैं। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक अपने शॉप पे या अपने ऑफिस में कैमराज लगाए हैं, एनालॉग कैमराज लगाए हैं, डीवीआर लगा है, 4 का डीवीआर या 8 का या 16 का डीवीआर लगा है, और आपको उस डीवीआर के कैमराज आपके कहीं और या दूसरे ऑफिस में या आपके घर पर वहां से थोड़ी दूरी पर आपको एक्सेस करना है, मॉनिटरिंग करना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि HDMI केबल के थ्रू HDMI एक्सटेंडर लगा कर आप देख सकते हैं या VGA एक्सटेंडर लगा के देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके में आप सिर्फ डीवीआर की स्क्रीन को वहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक के साथ आप पूरे कैमराज आप उस दूसरे आपके साइट पे या दूसरे आपके ऑफिस में एक्सेस भी कर सकते हैं, वहाँ पे उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको प्लेबैक भी कर सकते हैं। और दूसरा काम इस ट्रिक के साथ जो आप कर सकते हैं वो ये है, मान लीजिए एक साइड पे आपने 4 कैमराज लगाए हैं और दूसरे आपके साइड पे भी 4 कैमराज लगे हैं, ये 4 कैमरे और ये 4 कैमरे, इन 8ों कैमरों को आप एक ही साइड पे, एक ही जगह पे, एक ही मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, प्लेबैक भी देखना चाहते हैं, एक्सेस भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। ये वाली जो ट्रिक है मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू कनेक्ट डीवीआर टू एनवीआर, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो XMEY के डीवीआर में मैंने वो ट्रिक करके बताई थी, लेकिन आज मैं आपको हिकविजन के डीवीआर में ये ट्रिक करके बताने वाला हूँ। और तीसरा काम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तीसरा काम ये है कि आप अपने शॉप में या आपके घरों में कैमराज लगाते हैं और वहाँ पर चोरी होती है बाई चांस, तो चोर आजकल क्या करते हैं कि डीवीआर को ही उठा कर ले जाते हैं। तो डीवीआर को अगर चोर उठाकर चोरी करके ले गए तो आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिलेगी नहीं। तो आप इस ट्रिक के साथ ये कर सकते हैं, वो जहाँ पर आपका डीवीआर लगा है उस साइड पे भी आप उस कैमराज का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरे साइड पे भी उन्हीं कैमराज का रिकॉर्डिंग एक ही साथ कर सकते हैं। तो अगर एक डीवीआर आपका चोर ले भी गए तो दूसरे डीवीआर में या एनवीआर में आपका रिकॉर्डिंग सेव रहेगा। तो ये तीन काम आप इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ये ट्रिक क्या है। हाँ तो दोस्तों, जो तीनों बातें मैंने आपको बताई है उन तीनों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे की प्रोसीजर आप समझ नहीं सकते। मान लीजिए पहली साइड पर आपने एक सिस्टम लगाया है, एनालॉग सिस्टम 8 चैनल का, और ये उसका डीवीआर है, और इस 8 चैनल के डीवीआर को, इस 8 कैमरेज को आपको दूसरी साइड पर देखना है। तो उस साइड पर आप एक एनवीआर लगाइए 8 कैमरे का, जितने कैमरेज का सिस्टम यहाँ पे लगाया है उतने ही किसी चैनल का सिस्टम एनवीआर वहाँ पे भी लगाइए। फिर पहली डीवीआर से लेकर उस एनवीआर तक एक Cat6 केबल रन कीजिए और दोनों डीवीआर और एनवीआर को सेम लाइन में कनेक्ट कर दीजिए। हाँ तो अब हम आ चुके हैं मेरे एनवीआर की स्क्रीन पे दोस्तों। इस एनवीआर की स्क्रीन में कैमरा सेटअप में जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 30 कैमरेज इंस्टॉल कर चुके हैं। ये 32 चैनल का एनवीआर है, इसमें सिर्फ 2 पोर्ट खाली है, मैं सिर्फ इसमें 2 ही कैमरेज आपको ऐड करके दिखा सकता हूँ। कस्टम एडिंग में जाइए, यहाँ पे आप उस डीवीआर का, जो पहले वाले डीवीआर का लोकल आईपी यहाँ पे एंटर कीजिए। इसी तरह आप आईपी कैमरा भी एनवीआर में इंस्टॉल कर सकते हैं, आईपी कैमरा इंस्टॉल करने का भी यही तरीका है। इसके बाद प्रोटोकॉल, आपका हिकविजन का डीवीआर है तो हिकविजन प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें बहुत सारे डीवीआर के प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे और ऊपर से कस्टम प्रोटोकॉल भी इसमें मिलेंगे, और एक ऑनवीफ प्रोटोकॉल है जो काफ़ी सारे डीवीआर में डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है, हम यहाँ पे हिकविजन ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका डीवीआर का यूज़र नेम और पासवर्ड है जो पहले वाले डीवीआर का, वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कैमराज पूछ रहा है कि कितने कैमराज आपको इसमें ऐड करने हैं। ये 8 का डीवीआर है तो 8 कैमराज यहाँ पूछ रहा है, जितने भी कैमराज ऐड करने हैं उसको टिक मार कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैमरों को टिक करके ऐड कर देता हूँ,
क्योंकि मेरे एनीवेयर में दो ही पोर्ट अभी एम्प्टी है। तो ये दोनों कैमरे उस डिवाइस के ऐड हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए 1.100 1.100 सेम आईपी है, लेकिन कैमरेज यहाँ पे चैनल वन चैनल टू बता रहा है। अब मैं आपको बैक आकर दिखाता हूँ, इस सेटिंग से मैं बैक आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो नो वीडियो नो वीडियो बता रहे हैं ना, दो विंडोज़, ये एक्चुअली उस डिवाइस के कैमरेज है। उस डिवाइस में मैंने कोई कैमरा अभी कनेक्ट नहीं किया, इसलिए नो वीडियो आ रहा है। टीवीआई चैनल 01 और इसमें बता रहा है टीवीआई चैनल 02। तो दोनों कैमरास उस डिवाइस के इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो पूरे कैमरास भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे एनवीआर में दो ही पोर्ट खाली है, इसलिए मैं दो ही कैमरास आपको ऐड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, जहाँ पे चैनल वन और चैनल टू आपने ऐड किया है, अभी मैंने ऐड करके दिखाया आपको, तो उसके जगह पे चैनल थ्री या चैनल फोर भी आप एडिट में जाकर ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से कैमरा सेटअप में गया, ये मैंने जो कैमरा ऐड किया है उसमें यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो चैनल पोर्ट बता रहे वन है, इसको मैं थ्री कर देता हूँ और वापस से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये पासवर्ड एंटर किया, ऐड किया। अब चैनल थ्री उस पहले वाले डिवाइस का चैनल थ्री इसमें दिखेगा। जो भी पोर्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही चैनल यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए ये चैनल टू है, और अब जो मैंने एडिट किया है चैनल वन के जगह पे, ये चैनल थ्री आ चुका है। आप इसी तरह चैनल फोर फाइव सिक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कैट सिक्स केबल के बारे में आपको बताया था ना, तो ये इस ट्रिक को आपको करने के लिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है आपके डीवीआर से एनीवेयर तक का, तो आप फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, या वाईफाई रेंज एक्सटेंडर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के नई नई ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।